स्टार्ट करें। कल कहाँ तक हुआ है? चार्ट वाले ऑप्शन हो गए थे आपके? हुआ था? नहीं हुआ था? अपन यहाँ से अपन ने चार्ट जो सेव की हुई थी वही ओपन कर लेते हैं, ठीक है? ये थी अपनी चार्ट। तो चार्ट में डिजाइन हो गया था आपका, स्विच रो और कॉलम, मतलब इतना आ गया था आप सभी को, ठीक है। इसके बाद आपका रहता है स्विच रो एंड कॉलम। अभी आप देख सकते हैं किस टाइप से डाटा आ रहा है आपके इसमें। पहले वो आपको किस टाइप से ला रहा है, रो में, जैसे कि ये 42 है इसमें, तो ये फर्स्ट 42 की है। फिर आपका यहाँ पे 20 है, तो ये 20 की है। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो वो इस टाइप से ले लेगा। अब आपको कुछ समझ आ रहा है उसने किस टाइप से लिया है आपका कॉलम में, ठीक है? और अगर आप यहाँ से इस टाइप से लेंगे तो वो आपका ये रो में ले लेगा, और अगर आप इस टाइप से करेंगे तो आपका कॉलम में लेगा। पहले वो ये लेगा, फिर इस टाइप से लेगा आपके, ठीक है? आ जाएगा आपको क्या? ये कॉलम में लिया है उसने, तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए कौन सा है, यहाँ पे 30 है, तो आप इसमें देखेंगे 30 उसने यहाँ से लिया है। कहाँ से? ये कौन से का देख रहे हैं अपन? 24 तारीख का। 24 तारीख अपनी लास्ट में है यहाँ पे, देखिए उसने यहाँ से लिया है 30, फिर 29 है ये 29, फिर आपका ये कितना है 42, तो ये 42 और ये 36 है, तो ये 36, तो ये चार है आपके ये। अरे देखिए ऐसे नहीं देखिए आप, हम जो बोल रहे हैं वो समझिए। ये आपके चार है यहाँ पे, फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसने ये कॉलम पे लिया है आपका डाटा, तो इसलिए चार आप ये लाइंस आ गई है। रो में लेगा तो ये तीन है ना आपके, देखिए 42 एक, 20 दो, और 36 तीन, तो तीन में हो रहा है आपका ये, तो वो तीन में ले रहा था आपका। आप यही बोल रहे ना, एक बढ़ रही है येलो कलर की, यही बोल रहा है ना? तो देखिए अगर आप ऐसे में लेंगे तो ऐसे में आपका तीन बार है डाटा, तो तीन लाइंस आएंगी, और अगर आप ये कॉलम में करेंगे तो कॉलम में चार बार है ना आपका, तो वो एक लाइन तो ऐड करेगा ही करेगा, क्यों? क्योंकि उसका चार बार है डाटा। आ रहा है समझ? इसलिए उसने वो एक येलो वाली लाइन आपके यहाँ पे ऐड कर दी है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे ये कॉलम में लिया, तो खड़े में गिनिए आप उनको, चार बार आपने चार सिटी के नेम लिए है ना, तो चार बार डाटा फिल है। और अगर आप रो में लेंगे तो तीन डेट लिए आपने, 26 25 24, तो तीन बार लेगा वो। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि रो में रखना है आपको या कॉलम में लेना है, ठीक है? इसके बाद है सेलेक्ट डाटा। अभी आप देख रहे हैं इतने एरिया आपका सेलेक्ट बता रहा है, मतलब इतने एरिया में आपका डाटा फिल है। अगर आपको कुछ और एरिया सेलेक्ट करना है, इसी में यहाँ पर आपने कुछ और ऐड कर दिया है, आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है? जैसे कि आपने यहाँ पे क्या करते हैं, एक और इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, कितने 27 तारीख का ले लेते हैं, या 23 का ले लेते हैं, 23/12/2023 यही है, और यहाँ पे अपन डाटा फिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन ने किया 29 39, यहाँ पे 45, ये अपन ने इसमें डाटा फिल कर दिया, लेकिन आप देख सकते कि इसमें डाटा नहीं आया अभी। तो क्या करेंगे आप, डिजाइन पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट डाटा पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसको आप ओपन ही रहने देंगे, इसको मूव करके आप कहीं भी रख सकते हैं। इसके बाद आप इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे ओके करें, तो आप देखिए एक और येलो कलर में आ गया, यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है? तो आप यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करना चाहते हैं, कम डाटा लेना चाहते हैं, ज्यादा लेना चाहते हैं, तो सेलेक्ट डाटा के द्वारा कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं हमें ओनली 24 25 तारीख और 26 तारीख का ही देखना है, तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिजाइन पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट डाटा, आप इसको ओपन रहने देंगे और यहाँ पे आप इतना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और यहाँ से ओके करेंगे, तो आप देखेंगे दो ही लाइन दिख रही है अब आपको, क्यों? क्योंकि आपने ओनली इतना एरिया सेलेक्ट किया है। आ रहा है ना समझ? ठीक है। तो अपन इस पे क्लिक करते हैं, अपन पूरा वो ही एरिया ले लेते हैं जो अपना पहले था, ठीक, और ओके करते हैं। तो इस टाइप से आ जाएगा आपको। इसके बाद है चेंज चार्ट टाइप, इस पर आप क्लिक करेंगे,
तो आपको किसी और दूसरे फॉर्मेट में लेनी होती है कि यहाँ पे ये अलग अलग टाइप्स के आ रहे हैं और यहाँ पे लाइन में लेनी है पी बार जिस भी उसमें लेना हो आपको, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे उस टाइप से आपके चार्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा आप सभी को। इसके बाद मूव ऑप्शन है, मूव चार्ट मतलब आप अभी देख रहे हैं आपने ये फर्स्ट सीट पे किया है इसका यूज चार्ट का, आप चाहते हैं सेकंड सीट पे हम इस चार्ट को ले जाएं, अपन इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जो फर्स्ट सीट की चार्ट है वो सेकंड पे आ जाए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे मूव चार्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ऑब्जेक्ट इनमें आपका सीट वन सेलेक्ट है, आप इस पे क्लिक करेंगे, सीट टू सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो आपकी जो चार्ट है वो सीट टू पर आ जाएगी। देख रहे हैं आप, सीट टू सेलेक्ट हो गया और सीट वन पे ओनली आपका डाटा रहेगा, चार्ट नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप और भी सीट ऐड कर लेते हैं इस प्लस के साइन पे थर्ड कर ली, अब आपको ये जो चार्ट है वो थर्ड वाली पे लेना है तो आप यहाँ से करेंगे मूव चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से थर्ड वाली का नाम आ जाएगा और ओके कर देंगे तो वो थर्ड वाली पे चला जाएगा। तो ये मूव करने के लिए होता है, आप यहाँ से मूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये नहीं डेटा को नहीं, क्योंकि चार्ट के लिए रहता है, चार्ट पे क्लिक करेंगे तभी आपको ये ऑप्शन मिलता है, अगर आप चार्ट के बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। तो आ जाएगा आपको ये डिजाइन टूल्स, डिजाइन टूल आ जाएगा सभी को, कुछ पूछना हो तो इसमें से पूछ लीजिए, अपन इसको नॉर्मली कर लेते हैं जैसे था अपना पहले। कहाँ कहाँ पे ये चार्ट स्टाइल, ये इसकी स्टाइल, इसके फॉर्मेट चेंज करना, अभी आपकी व्हाइट में आ रही है इसकी स्टाइल चेंज करना, ब्लैक में लेना हो या फिर किसी और टाइप में लेना, तो इसकी स्टाइल चेंज हो रही है फॉर्मेट, देखिए आप, तो आपको जिस भी स्टाइल में इसको लेना है आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेंगे तो वो स्टाइल इसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा, और कोई पूछना है? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें रहता है आपका फॉर्मेट, फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आएगा। अब इसमें आपको ये नहीं है पता कि चार्ट टाइटल तो ये है, ठीक है, इसमें आप इस एरिया को क्या बोलते हैं, जो इतना एरिया आ रहा है, या फिर इस पूरे को क्या बोलते हैं और इस एरिया को क्या बोलते हैं नहीं है पता आपको, तो आपको यहाँ पे देख रहा है ये चार्ट एरिया लिखा आ रहा है, मतलब ये पूरी चार्ट है, ये चार्ट का एरिया है, इसके ड्रॉप डाउन ऊपर क्लिक करेंगे, चार्ट टाइटल क्लिक करेंगे तो चार्ट का टाइटल सेलेक्ट करके दे देगा वो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेना हो तो देखिए ये है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो आपके यहाँ पे सिटी के नेम आ रहा है इसका नाम क्या है यहाँ पे बता रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कैटेगरी एक्सिस मतलब कैटेगरी बताई है उसने यहाँ पे। ठीक है, तो इसका नाम है ये सेलेक्ट करके दे रहा है आपको ये, तो इस डायरेक्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं माउस से क्लिक करके, लेकिन माउस से क्लिक करके करेंगे तो यहाँ पे नाम तो आपको फिर भी दिख रहा है, लेकिन अगर आप इस पे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस एरिया को क्या बोलेंगे आप, तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो, कलर वगैरह फिल करनी होती है, शेप स्टाइल्स है, यहाँ पे फिल कलर का ऑप्शन मिलता है आपको, शेप फिल का, इस पे के ड्रॉप डाउन ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे उसमें कलर आ रहा है, तो जितने एरिया में आपने नाम लिखा है उसमें आ गया, तो यहाँ से कलर कर सकते हैं आप। इसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कि आपको सीधे से यहाँ पे 26 तारीख का सेलेक्ट करना होता है, देखिए 26 26 के हो गए ये सारे, अब इनमें आपको कुछ कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप उनका भी कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चेंज करना है इस टाइप। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट सेलेक्शन इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से शो हो जाएगा। ठीक है, अभी आप चार्ट ऑप्शन पर है तो ये आपका है फिल, तो आपको यहाँ पे फिल ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे नो फिल कर देंगे तो आपकी वाइट आ जाएगी, तो आप देख रहे हैं आपकी चार्ट जो है वाइट आ गई, आपका डेटा दिखने लगा, और अगर आप सॉलिड फिल करेंगे तो उसके अंदर आप कोई एक कलर फिल कर सकते हैं, तो यहाँ से आप ये कलर के ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से जो भी कलर लेना आप उस कलर को सेलेक्ट करेंगे तो वो कलर फिल हो जाएगा इसके अंदर, और वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है वही यहाँ पे मिलते हैं, ग्रेडियंट मतलब मल्टी कलर से लेना हो आपको एक से ज्यादा कलर तो यहाँ पे आप इन पेंसिल्स में कलर फिल कर लेते हैं, और ऐड करनी है तो नॉर्मल क्लिक से ऐड हो जाती है, और इन्हें मूव भी कर सकते हैं, फर्स्ट वाली को सेलेक्ट करेंगे आप और यहाँ पे कलर फिल कर ले, ये किया आपने, फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पे दूसरा कलर ले लेंगे आप,
फिर आप इसको सेलेक्ट